नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे भारत। तो साथियों, जैसा कि आज आप जानते हैं कि BSF ट्रेडमैन का जो फिजिकल का पहला दिन कंप्लीट हो चुका है और फिजिकल में क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, ये सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। तो सबसे पहले क्या है कि आपका जो दसवीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, ठीक है, फ़ोटो आपको लेकर जाने हैं, आपका जाति प्रमाण पत्र, आपका डोमिसाइल, ये सब चीज़ें आपको लेकर जानी हैं। और उसके साथ में दूसरा, आपका फिजिकल का कितने बजे आपकी एंट्री होगी, तो आप ये देख सकते हैं कि सबसे पहले सुबह टाइम तो हालांकि 4:30 बजे का लिखा हुआ है, पर 5 बजे एंट्री होती है, ठीक है। और जो पहला बैच है वह तकरीबन 7 से 7:30 तक भाग जाता है, ठीक है। एक बैच में 100 कैंडिडेट होते हैं। और दूसरा, इसमें क्या है कि हर बैच में कैंडिडेट को पूरा समय मिल रहा है, ठीक है। दूसरा, टाइमिंग में आप ये देखें कि अगर आप दौड़ते रहेंगे लगातार तो आपका फिजिकल इजीली क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। अब रुकिएगा नहीं, थोड़ी एक स्पीड में दौड़ते रहिए, नॉर्मल स्पीड में भी अगर आप दौड़ेंगे तो आपका फिजिकल क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा, आपको यह बहुत बड़ी हिदायत दी जाती है कि आप अपना खाना पीने का सामान बाहर से ही लेकर जाएं, ठीक है। अंदर आपको बहुत कम चीज़ें मिलेंगी। ये हम जानते हैं कि हमारे सब लोगों का फिजिकल जो है वह राजस्थान में है, तो वहाँ क्या है कि ठंडा पानी अवेलेबल नहीं हो पाता है, ठीक है। ठंडा पानी नहीं मिलता, खाने का नहीं मिलता। तो आप क्या है कि अपना कोशिश करें कि घर से ही अपने थर्मो फ्लास्क वाली बोतल ले जिसमें पानी ठंडा रहे, ठीक है। और दूसरा, खाने का सामान अपना बाहर से ही खरीद कर लेकर जाएं। तीसरा, अब जैसे कि आप लोग जाते हैं कहीं स्टेशनों पर रहते हैं, वहाँ क्या है कि मच्छर बहुत होते हैं और आप रात को सो नहीं पाते, तो इसके लिए क्या है कि ओडोमास लेकर जाएं, ठीक है। इससे आप उसको अपनी बॉडी पर लगा कर कहीं भी सो सकते हैं आराम से और प्रॉपर रेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि सुबह मॉर्निंग में जैसे एंट्री होने के बाद रनिंग होने के बाद हाइट वेट टेस्ट हुआ और डॉक्यूमेंटेशन हुआ, उसके बाद में शाम को छोड़ा गया तकरीबन 6 से 7 बजे के बीच में, तो टाइम बहुत लग रहा है। राजस्थान में गर्मी बहुत है, तो आप इतना हो सके अपने पानी की कमी अपनी बॉडी में मत होने दें, डिहाइड्रेशन मत होने दें, ठीक है। और बाकी इसके अलावा अगर कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे फ़ोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है साथियों। जय हिंद, वंदे भारत।